हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम, नमस्कारम, नमस्कार इंडिया, कैसे हो आप लोग? और ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। लोग पक गए मेरी बकवास सुनते सुनते। और आज मैं एक डेमो देने जा रहा हूँ आपको। मुझे लगा कुछ अलग हट के वीडियो बनाऊँ और कुछ प्रैक्टिकल जिसमें आपकी हेल्प भी हो पाए। तो मैं आज आपको बताने जाऊँगा कि बीपी कैसे चेक करना चाहिए, एक्चुअली ठीक मेथड क्या है, और जो आप गलतियाँ करते हैं उसे बीपी कई बार फालतू में बढ़ जाते हैं जो होते भी नहीं। कई बार इसका फ़ायदा भी उठाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कौन वो नहीं मैं बताऊंगा। हाँ, बताता हूँ। और मैं बुलाता हूँ अपने असिस्टेंट जो मेरे साथ काम करते हैं, राजेश जी। राजेश करीब मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बिहार का रहने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी कभी पार्ट टाइमर काम किया, कभी फुल टाइम, कभी बीच में चला भी गया ये, लेकिन हमेशा जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये हमेशा मेरे काम आ जाता है और कभी इसने किसी काम को मना नहीं किया। तो एक इससे ज़्यादा अच्छा कोई स्टाफ नहीं हो सकता। और राजेश जी आइए बैठिए, ये है राजेश जी। हेलो इंडिया, नमस्कार। है देखो, नमस्कार पहले से ही सिखा रखा था, ऐसे बोलना है नमस्कार। ये देखो, ये बिहार का निरहुआ जो है ना, हमारे क्लिनिक का निरहुआ है। निरहुआ का नाम पता तुम्हें क्या है? दिनेश यादव। उससे ज़्यादा बेटर है ये। अगर काम करने का मौका मिला, मुझे लगता है इसको भी मिल सकता है अगर ये कोशिश कर। चलो राजेश जी, आज हम आपके ऊपर बीपी चेक करके बताएंगे अपने दर्शकों को, ठीक है? तो ये देखो, ये इन्होंने जैकेट पहनी हुई है। पहली चीज़ तो यही गड़बड़ है, पहले इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मोटी जैकेट या अगर स्वेटर के ऊपर आप बीपी चेक करेंगे तो उसमें गड़बड़ी आएगी आएगी। तो भैया उतार क्या हो, थोड़ा कोने में उतार लो। सारे कपड़े नहीं उतरवा रहा हूँ भैया, अडल्ट शो नहीं है ये, चिंता मत करो आप, आ जाओ। तो राजेश जी आ चुके हैं, पधार चुके हैं। तो अब ये देखिए, अब इन्होंने ये नीचे एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो इसमें कोई फोल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, पतली है, लेकिन इसको सीधा कर लो बिल्कुल ऐसे। और पेशेंट को बोलें कि थोड़ा रिलैक्स रहें, है ना? और डॉक्टर भी अपनी शक्ल खतरनाक ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी शक्ल बना लेंगे पेशेंट के सामने कि पेशेंट का बीपी वैसे बढ़ता, अच्छा अरे तुम्हारा बीपी तो बहुत हाई है, भाई तेरी शक्ल देख के बढ़ गया उसका बीपी, पता नहीं कैसे कैसे शक्लें। कुछ तो वैसे ही भगवान ऐसे ही देता है, डरावनी कुछ बना देते हैं, और मरीज का बीपी नहीं भी बढ़ना हो तो बढ़ जाता है। तो ये है बीपी का कफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपी का कफ कैसे बांधना है, कितनी ऊपर बांधना है, कितना टाइट रखना है। क्यों, एक काम की बात बताता हूँ आपको, अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया, ठीक है, तो आपका बीपी ज़्यादा आएगा। अगर आपने कम टाइट रखा तो आपका बीपी कम आएगा। तो भाई आप समझ लो, कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं इसमें, कौन करेंगे तो मुझे भी नहीं पता। ये आपका होता है एक, यहाँ पे गड्ढा होता है, देखो कोहनी जिसको बोलते हैं हम लोग, आपकी भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको क्वाड्रल फोसा। तो ये एल्बो है, तो इससे दो उंगली ऊपर रखना है बस आपको। तो मैं, और दूसरा ये जो वायर इसकी ट्यूब है, ये अंदर की तरफ रहनी चाहिए, यानी इस साइड में, बाहर की तरफ नहीं। मैं आपको बांध के दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मैंने बांध दिया है, ये अंदर की तरफ है, इन साइड, इस साइड में, इसको बाहर की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने दो उंगली ऊपर बांधा है इसको यहाँ से, ठीक है। तीसरा ये कितना टाइट होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? अबे यही तो काम की बात है, इसके लिए मैं फीस लेता हूँ बताने की, और आप मुझे सब्सक्राइब कर देना, इतना ही बहुत है। ये इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी दो उंगलियाँ इसके अंदर चली जाए बस, ठीक है। राजेश तुझे भी बता रहा हूँ, अभी तुम्हें बीपी चेक करना आता है तो अगर पता नहीं, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं बताया, हालांकि मैं क्लिनिक में कभी इनसे मैंने बीपी चेक कराया नहीं किसी पेशेंट का, मैं खुद ही करता हूँ या स्टाफ नर्स जो है वो उस वो करती है। ये हालांकि स्टाफ नर्स नहीं है, ये लैब कलेक्शन बॉय है और लैब चलाता है, कहीं पर सिर्फ कलेक्शन करता है। तो ये देखो, तो इसमें दो उंगली चली जाए, पर इतना टाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हल्का सा लूज़ है, मैं इसको थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो ज़्यादा बीपी आएगा, तो किसी ने अगर फ्रॉड करना है, किसी का बीपी बढ़ाना है, तो ऐसे भी बढ़ जाएगा। शक्ल से तो आप बढ़ा ही दोगे, ज़्यादा टाइट बांध के इन्फ्लेट करो तो बीपी ज़्यादा आएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद मरीज, चलो जी भर्ती हो जाओ। तो ये ठीक है, पहले बोलो पेशेंट को रिलैक्स हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स होकर बैठें, ठीक है, और डॉक्टर भी रिलैक्स रहे, ऐसी शक्लें ना बनाएं कि बीपी बढ़े मरीज का। दूसरा, कफ कितनी ऊपर बांधना है ये मैंने बता दिया, तीसरा कितना टाइट बांधना है ये भी बता दिया, और चौथा ये जो ट्यूब है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए, इधर की तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में बीपी में 10 mm का फर्क होता है, ठीक है। लेफ्ट आर्म हार्ट के नज़दीक होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि लेफ्ट आर्म से देखें, वैसे मैं राइट आर्म से देख रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का 10 mm का फर्क पड़ता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट है आपका बीपी वाला, वो इसके लेवल पे होना चाहिए। अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो आप उसको बेड पे रख दें, उसके लेवल पे होना चाहिए। ये यानी कि बीपी जमीन में पड़ा हुआ और आप इसको यहाँ देख रहे हो। कई बार कफ की जो ये ट्यूब बहुत लंबी होती हैं, तो बीपी और इसका लेवल एक जितना होना चाहिए, समझे? तो
तो ये बहुत काम की बात है, क्योंकि आप इसको ऊपर नीचे रख दोगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो पहली चीज कफ कहाँ बांधना है, दूसरा कितना टाइट होना चाहिए, तीसरा पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, चौथा बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेवल पे होना चाहिए दोनों। अगर आप लिटा रहे हो तो उसको भी बेड पे रख दो तो लेटने पे एक जैसे लेवल पे ही आ जाएंगे, या फिर किसी को बोल दो भाई पकड़ ले इसको, इस लेवल पे रखना है बीपी इंस्ट्रूमेंट, नीचे नहीं रखना ऊपर नहीं रखना। तो ये है। और अब बीपी कैसे चेक करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली जो आप मशीन यूज़ करते हैं। कई लोग पूछते हैं सर कौन सी मशीन ले, ये तो बता दो। सर मैं नहीं किसी कंपनी का ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ। आप नेट पे पता कर लें, अच्छी कंपनियाँ हैं, चाइनीज़ कंपनियाँ मतलब भाई फ्री फंड में भी मिले तो भी मतलब। क्यों, वो जो बीपी 500 रुपये 400 रुपये मशीन आप ले तो आते हो ऑनलाइन देख के, वो बीपी इतना बढ़ा देगी आपका कि आपके जो 400-500 हज़ार रुपये आपने बचाए ना उसके जगह पर 1000 रुपये लग जाएंगे एक ही दिन में। छोड़ेगा कोई नहीं, आपको हॉस्पिटल में सीधा भर्ती कर देगा। तो ये एक छोटा सा डेमो मैंने दिया कि ठीक से बीपी चेक करने का मेथड क्या है। ठीक है जी, जी सर। अब मैं उतार देता हूँ, फ्री कर दूँ निरहुआ को। निरहुआ जी, वैसे तो तू शर्माता बहुत है, तू क्या करेगा, है ना। अच्छा फेवरेट गाना बता दे हमारे दर्शकों को, कौन सा बिहार का बिहारी गाना तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन सा है? अभी सर फेवरेट चला हुआ है नून रोटी खाएंगे, ये वाला चला हुआ। हाँ मैंने सुना है, गा सकता है तू? ना सर, है इतना शर्माता है, गाना गाता है कुछ भी नहीं है, सारा लड़कियों से भी क्या गुजरा है, इतना शर्माता है। मैंने ऐसे बिहारी देखे नहीं, बिहारी इतने चालू होते हैं, ये शायद इसी वजह से मेरे साथ जुड़ा। और आज मैं ना आपको राज की बात बताता हूँ, ये राजेश को भी नहीं पता है। मेरा बर्थडे और शाहरुख खान का बर्थडे एक ही है, शाहरुख खान मेरे से एक साल बड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज और भी बड़ी, मैं भी साबुन लगाता नहीं हूँ अपनी बॉडी पे, हफ्ता हफ्ता बीत जाता है तो वो भी नहीं लगाता है। तो ये मेरे बच्चों ने मेरी बात बताई, क्योंकि उनको पता है कि पापा का बर्थडे और शाहरुख खान का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो वो मुझे और मेरी शक्ल भी मिलती थी। ये मेरे पास एक वीडियो भी, अगर आप लोग देखना चाहें तो स्टोरी ऑफ डॉक्टर नवनीत काला एंड शाहरुख खान SR के, एक वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो और एक साल बड़ा है, तो जब मेरा भाग्योदय हुआ था 86 में, तो उसका भी हुआ था 85 में। वो TV पे आया था 4G में, और मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट बन गया, तो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि तेरी शक्ल बहुत ज़्यादा उससे मिलती है, एक नया लड़का आया है देखो उसको TV पे, शाहरुख खान है उसका नाम, तब मिलती थी। अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब उसकी भी नहीं मिलती, मेरी भी नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती होगी तो होती होगी। तो एक बात जो खास तौर पर आज मैं राजेश क्या बताने जा रहा हूँ, वो मेरे बच्चों ने बताई मुझे, उन्होंने बड़ी रिसर्च कर रखी है मेरे और शाहरुख खान में कितनी सिमिलरिटी है। तो एक खास बात यह है कि जो उसका असिस्टेंट है सालों से, उसका नाम भी राजेश है। तो ये राजेश जी भी मेरे जी पल्ले पड़े, और उसके पल्ले भी राजेश एक पड़ा हुआ है कोई। तो ये थी एक बीपी, ये तो चलो एक फालतू की बात हुई, वो तो मैं बीच में बकवास करता ही रहता हूँ, उसको तुम झेलते रहा करो। ये थी एक छोटी सी मैंने डेमो बताया कि बीपी कैसे ठीक ढंग से करना है, और बीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ठीक से चेक नहीं करोगे तो नेचुरली आपकी रिपोर्ट गलत है कि फिर आप घबरा जाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास भागते हो, डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी भाग गया, है ना। तो चलो अच्छा राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमार क्लिनिक में रहुआ आई आई रहन। तुम बिहार के हो? कौन से गांव का हो? जिला? जिला जहानाबाद। जहानाबाद और गांव? जिला गया। गया तो भोजपुरी में बोल दो हमारे दर्शकों को, अरे कोई बोल दो भाई कि धन्यवाद। धन्यवाद सर। अबे मुझे भोजपुरी आती, इसको नहीं आती। रहुआ लोगों ने हमारे चैनल देखी, रहुआ का बहुत बहुत आभारी, और इनका तो बहुत ही आभारी, ये आए और अब नंगे होके बैठ गए हमारे सामने। जाओ कपड़े पहन लो, चलो निकलो। चलो दोस्तों, और कैसा लगा मेरा छोटा सा टॉपिक? अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका डॉक्टर नवनीत कालरा, बाय। अब बंद करते उसको ऊपर से लाल रंग वाले बटन को, नए वीडियो के साथ।